हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हेडिंग डलेगा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह से हम इसको देख रहे हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वन बाय वन, जैसे जैसे हम आते गए, हम उनके नाम देते गए, उनकी एप्लीकेशंस पढ़ते गए। तो सबसे पहले हमारे लिए आ रहा था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये क्या कहता है, पहले समझते हैं अपन कॉन्सेप्ट्स। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में इस तरह से पार्टीशन किए गए हैं। और हर तरफ लिक्विड फिलअप किया गया, अलग अलग लिक्विड, सब जगह अलग अलग लिक्विड भी भर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। सेम भी भर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। और इनके नाम रख दिए मैंने ए बी सी। ए और बी इंडिविजुअली आपस में थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है सी के साथ, पक्का। तो ए और बी भी होंगे, यानी ए और बी इंडिविजुअली सी के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब वो आपस में भी होंगे। सही बात है, ए और सी अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम। मान लीजिए इसका टी है और तो इसका भी कितना होगा, टी। और बी और सी भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर इसका भी होगा, टी। तो इसका इसका टेम्परेचर बराबर, इसका इसका टेम्परेचर, तो इन दोनों के भी बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो ये भी अपने आप में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, यस और नो। तो ये पहली बार दिया तब क्या उन्हें नहीं मालूम था, टेम्परेचर से ही बोल दो ज्यादा नहीं मालूम होगा, लेकिन इतना बोल देते हैं कि इससे हम फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी इंडिविजुअली इंडिविजुअली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद सी, इंडिविजुअली का मतलब सेपरेटली विद सी, देन दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सही है, ये हमारे लिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इसका मेन यूज क्या हुआ, मेन एप्लीकेशंस क्या रही हमारे, कि दिस लॉ डिफाइन द टेम्परेचर एप्लीकेशंस। जीरो लॉ ऑफ टीडी, टीडी का मतलब थर्मोडायनामिक्स, डिफाइन टेम्परेचर, डिफाइन टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर बता रहा है आपको। सेकेंड पॉइंट सही है, सेकेंड पॉइंट हमारे लिए क्या है, लिख लिया यहां तक तो, बाकी और कोई यूज नहीं है। हम सेकेंड पॉइंट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बता रहा है हमारे को, एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या है ये स्टेटमेंट, डेफिनेशन, एनर्जी इज ए कंजर्वेशन क्वांटिटी, कंजर्वेशन क्वांटिटी।
एनी एनर्जी कंजर्व है, इट कैन नॉट बी क्रिएट, इट कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर, अनादर फॉर्म। यानी पहले एनर्जी हो सकता है हीट की फॉर्म में हो, वर्क में चेंज हो गया, वर्क है हीट में चेंज हो गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन अगर मैं ये मानूं कि अभी कुछ देर के लिए सिर्फ तीन ही एनर्जी में आपस में ट्रांसफर है, तो क्या होगा? यानी कितनी तरह की एनर्जी होती है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, दुनिया भर की एनर्जियां होती है, ठीक है, न्यूक्लियर। मैंने मान लिया ये कोई एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है, ग्रेविटी सब फिक्स है। तो आप थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो हमारा इस एक और पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, इफ ओनली थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी आर कन्वर्ट टू ईच अदर, देन देन वॉट, समझते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास सिस्टम है, आपके पास इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है, आपने इसको हीट दिया तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो कुछ अपने एनर्जी चेंज किया ही नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया है, तो सीधी की सीधी जो भी हीट जा रही है वो क्या हो जाएगा, E2। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ के क्या होगा, E1 प्लस Q मान लीजिए, और फिर आपने वर्क भी दे दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, E1 प्लस Q प्लस W। तो फाइनली इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, E2 इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W। तो डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q प्लस W। ये आपके पास हो गई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस टर्म्स एंड कंडीशन TC। यानी ये तभी लगेगी जब सिर्फ तीन तरह की एनर्जी हो, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान रखना, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस व्हेन थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी आर वर्किंग। ये हमारे पास हो गया, लेकिन मैंने क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ लेके चलूंगा, तो मैं फिजिक्स भी लेके चलता हूं कि फिजिक्स भी सही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या अंतर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। वो सिस्टम को इस तरह से सोचते हैं और हम सिस्टम को ऐसे ही सोच रहे हैं, हम भी वो ये कहते हैं कि हमने हीट दिया, ठीक है, इसने वर्क किया और बाकी का बचा हुआ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया। हमने ये माना, बिल्कुल, हमने हीट भी दिया और वर्क भी दिया और दोनों ही किस में चेंज हो गया, इंटरनल एनर्जी में। तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि हमारा हीट, उनका हीट सेम वैल्यू होगा, सेम साइन होगा, उनकी इंटरनल एनर्जी और हमारी इंटरनल एनर्जी सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, लेकिन वर्क के साथ हमारे लिए अलग है। तो उनके लिए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस W, और हमारे लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू प्लस W, या क्यू प्लस W इक्वल टू डेल्टा ई। तो अंतर आ रहा है, समझ में आ रहा है, सिर्फ यहां तक अंतर आएगा। उनका W क्या होता है, PdV, और हमारा W क्या होता है, माइनस PdV। तो अगर हमने W रख दिया तो हमारी सेम इक्वेशन आ जाएगी, देखो रखते ही क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ई प्लस PdV,
वैसे भी पी डी वी लगा रहता है, तो इसका मतलब यहां पर इंटीग्रेशन साइन है, जरूरी नहीं है लिखो आप, बस है। और डब्ल्यू अगर वहां रख दिया हमारे हमने, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू माइनस पी डी वी, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ई प्लस पी डी वी। तो ये वाली इक्वेशन तो हमारी दोनों की क्या आ गई, सेम आनी भी है, क्योंकि हमने वर्क की वैल्यू रख दी, वैल्यू रखती फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, फिर तो हम डेल्टा ई रख रहे हैं। तो हमारे को दोनों के को क्यू की वैल्यू सेम चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो हमारे को पास सेम आएगी आएगी। बोलो यस, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मेट हुआ जो हमें अच्छे से आना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं आपके साथ फिर हूं, कुछ छोटी छोटी बातें और मैं आपके साथ करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इस इक्वेशंस के लिए, इस तरह की बॉडी डायग्राम के लिए हमारे लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, एन सी वी डेल्टा टी, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, प्रोसेस कोई भी हो, क्योंकि ये मान के चलते हैं अगर कोई और प्रोसेस भी हुआ तो उतना हीट का पार्ट जो वर्क नहीं कर रहा है वो क्यू वी कहलाता है, और वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है, बाकी का पार्ट हीट का वर्क में चला जाता है। इज दैट क्लियर? इसलिए इंटरनल एनर्जी हमेशा यही रहेगी, भले ही कोई भी प्रोसेस हो, एनी प्रोसेस। एनी प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हम बात कर ही रहे हैं, रियल के लिए तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, या लिक्विड सॉलिड के लिए फॉर्मूले नहीं लगते। ये डेल्टा ई हो गया, डेल्टा एच की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी होती है, दो पॉइंट हमारे लिए हो गए। एनी प्रोसेस सेम चीज, और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा ई की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी अब गामा, पॉइजन रेशियो। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास रिजल्ट आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी हमारे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्यू हमारे पास कोई भी हो सकती है, क्यू क्वेश्चन में होगी, और डब्ल्यू हमारे पास हम निकाल ही चुके हैं, माइनस पी डी वी होता है। तो अगर हमें डब्ल्यू और क्यू मालूम है तो हम डेल्टा ई वैसे निकाल सकते हैं, और डेल्टा ई समझ, हमने डेल्टा ई यहां से निकाल लिया और क्यू दिया है, तो डब्ल्यू हम निकाल देंगे, उसके लिए ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी निकाल सकते हैं, ये रहा केमिस्ट्री में। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो अब आगे मैं एक बहुत प्यारा सा चार्ट बनाने वाला हूं, और आपको रिलेट करने वाला हूं मैं कि हर एक प्रोसेस के लिए क्या डब्ल्यू होता है, क्या डब्ल्यू क्या डेल्टा ई होता है, और कैसे निकालते हैं। चलिए, तो हेडिंग क्या डलेगा, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। मतलब मान के चलिए कि एक क्वेश्चन एक एग्जांपल हमारे को इस कंसेप्ट से मिलेगा ही मिलेगा। शुरू करें, सबसे पहले आप जितनी भी प्रोसेस जानते हैं उन उतने ही पार्टीशंस कर लीजिए। कितने जानते हैं आप, या आप पार्टीशंस करना चाहते हैं तो पार्टीशन या अलग अलग से कर लीजिए। सबसे पहले आइसोथर्मस, आइसोथर्मस हर चीज बतानी है। ये कर रहा आपका आइसोथर्मल पीवी, लिखते जाएं, ए से बी के लिए गए, छोटी छोटी बातें जो आपको अच्छे से याद है आइसोथर्मल के लिए। सबसे पहला डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी जीरो है, जीरो, और डेल्टा एच की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी जीरो है, ये भी जीरो, बहुत सही है, अच्छे से क्लियर है।
या आप बढ़िया सा चार्ट बना के बाद में अपने कमरे में चिपका देना। तीसरा W क्या होगा, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन। ये एक्सपांशन के लिए होगा या कंप्रेशन के लिए या दोनों के लिए? दोनों के लिए, क्योंकि फॉर्मूला तो दोनों के लिए। एक्सपांशन के लिए वी टू की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और कंप्रेशन के लिए नेगेटिव हो जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारे को सोचना है। तो हम इतना तो जानते हैं डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जब डेल्टा ई जीरो है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे लिए प्लस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन हो जाएगा। क्या आपको आइसोथर्मल के लिए कोई दिक्कत आ रही है? सारी चीजें निकाल ली आपने अच्छे से। अगला पॉइंट एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक हमसे किस तरह से वर्क कर रहा है? तेजी से गिर रहा है पीवी, एडियाबेटिक पीवी इस तरह से जाएगा। ठीक है, जाने दीजिए ए और बी, ये हमारे लिए एडियाबेटिक है। बहुत इजी है, यहां एडियाबेटिक के अंदर क्यू जीरो होता है, ये हमने पहले ही समझ रखा है, डेफिनेशन ही यही है। दूसरा हमने ये पढ़ रखा है डब्ल्यू की वैल्यू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, गामा माइनस वन या वन माइनस गामा। सही है, वन माइनस गामा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में गामा माइनस वन हो जाएगा। सही है, पी टू वी टू की वैल्यू, मैं आपकी बात आप समझना एक मिनट, एक सेकेंड। ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्सपांशन के केस में नेगेटिव और कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। आप एक सेकेंड के लिए सोचिए, ये आइसोथर्मल है, थर्मल है या नहीं है? यहां पी वन वी वन, यहां पी टू वी टू, पी टू वी टू क्या होगा, कम होगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, और एक्सपांशन हो रहा है नेगेटिव। बिल्कुल सही जा रहे हैं, गामा माइनस वन आएगा। तो सही है, तो ये आपने प्रूव भी कर दिया कि पी टू वी टू पी वन वी वन से कम होगा। यहां मान लीजिए पी वन वी वन है, यहां पी वन वी वन ही रहेगा, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है तो पी टू वी टू कम हो जाएगा, पी टू वी टू कम होगा तो ये नेगेटिव हो गया, और मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, गामा एक से बड़ा होता है, तो गामा एक से बड़ा होता है तो ये अपने आप में क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर नेगेटिव है, बस खत्म बात। तो नेगेटिव आ ही रहा है और हम नेगेटिव चाह रहे हैं एक्सपांशन के लिए, कंप्रेशन के लिए भी। अब तो फॉर्मूला तो एक बार बन ही चुका, चल नहीं तो, बिल्कुल सही है, क्यू हो गया डब्ल्यू हो गया। आगे हमें क्या निकालना है, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई की वैल्यू हम ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन अब क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू तो जीरो है तो यही डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। नेक्स्ट एनसीवी डेल्टा टी भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और टेम्परेचर दे रखे हैं तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है, फिर तो एन सी वी डेल्टा टी, उसके लिए फिर आपको सी वी की वैल्यू भी जरूरत होगी, यहाँ सी वी की जरूरत ही नहीं है। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिखा सकते हैं, गामा डेल्टा ई, गामा पॉइजन रेशियो है। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? बहुत सही, अपने दो प्रोसेस के लिए सब चीजें लिख दी है, एक दो तीन चार, चारों चीजें हम लिखते हैं, प्रोसेस चेंज करते हैं। कौन सा लेते हैं हम, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक।
आइसोकारिक किस तरह का होगा? इस तरह का, पीवी में ए से बी ऊपर जाए या नीचे जाए एक्सपांशन तो हो नहीं रहा है। डब्ल्यू क्या होगा यहां पर? जीरो। प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन सी वी डेल्टा टी है। टेम्परेचर दे दे, सीवी दे दे, हम निकाल देंगे। और डेल्टा ई की वैल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, इसका मतलब डब्ल्यू तो जीरो है ही आपके लिए, तो क्यू की वैल्यू भी आपके लिए क्या हो गई? डेल्टा ई के बराबर। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन सी पी डेल्टा टी या फिर गामा डेल्टा ई। तो ये हमारे पास एक दो तीन चार, चार रिजल्ट्स हो गए हमारे को, चार ही बताने। हाँ या ना? आइसोकॉरिक कौन से नंबर का प्रोसेस है हमारा? तीसरा नंबर का। तीन हो गए हमारे, चौथा नंबर हमने आइसोथर्मल कर दिया, आइसोबारिक हमारा बच रहा है। आइसोबारिक, आइसोबारिक किस तरह का होगा? ये हो गया पीवी। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पी डेल वी, पी डेल वी, या हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एन आर डेल्टा टी। पी टू वी टू माइनस पी वन पी, मतलब वही हमारे लिए हो गया एन आर डेल्टा टी। पी वी इक्वल टू एन आर टी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक तरफ डी वी रख दिया, एक तरफ डेल्टा टी हो गया। तो ये तो मैथ्स है थोड़ी सी। अब डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा एच कितना होगा और क्या हमें निकालना है? क्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, हमें और कुछ भी नहीं है। यहां से डेल्टा ई भी जीरो नहीं है और क्यू भी जीरो नहीं है, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक दो तीन और ये चार प्रोसेस हमने यहां पर भी बता दिए। अब कौन सा प्रोसेस लेना चाह रहे हो आप? पॉलीटॉपिक, ठीक है चलो। तो पॉलीटॉपिक कोई सा भी ले लिया, पी प्रोपोर्शनल वी ले लिया आपने, पी प्रोपोर्शनल वी पॉलीटॉपिक है, पी प्रोपोर्शनल वन बाय वी आइसोथर्मल है, ठीक है। ए से बी गए आप, आपको W निकालना है, कुछ मत करो। एरिया कवर्ड बाय साइकिल की जगह एरिया अंडर कर्व, और प्लस माइनस वो देख लो आप, वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये तो W हो गया। डेल्टा E, एन सी वी डेल्टा T, डेल्टा H, एन सी पी डेल्टा T, और Q की वैल्यू आप अब तो जानते हैं, डेल्टा E माइनस W। W वहां से रख देंगे, डेल्टा ई यहां से रख देंगे, एक दो तीन चार, चारों मिलकर आपका काम तमाम, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब फिफ्थ नंबर का कौन सा प्रोसेस लें बताओ जल्दी से? फिफ्थ था तो सिक्स कौन सा ले? साइक्लिक ले लें, ये साइक्लिक ले लिया हमने। पी वी ए बी सी डी, ए बी सी डी वर्डन आपके लिए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस साइकिल, एरिया ऑफ साइकिल। सेकेंड हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा ई जीरो,
डेल्टा एच जीरो, क्योंकि डेल्टा टी जीरो है, नेट टेम्परेचर वो हो गया, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ई, 1 2 3 4, डेल्टा ई नहीं होगा डब्ल्यू होगा, सही कह रहे हो आप, और वो भी माइनस में, 6 एक और ले ले, कौन सा बच रहा है सोचो, फ्री एक्सपांशन। तो सेवेंथ नंबर का हमारे लिए रह गया फ्री एक्सपांशन, करें फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में आपको पहले ही बता चुका हूं, कर्व से नहीं समझा पाओगे आप सिर्फ पोजीशन से बताओगे, यहां 1 एटीएम, यहां 0 एटीएम। थोड़ी सी देर बाद आपको क्या दिखाई देगा, जैसे ही पिस्टन छोड़ा ये इस तरफ आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ इस प्रोसेस के अंदर W क्या होगा, क्या बात है, जीरो, W जीरो होगा। अब अगर यहां पर आपने फ्री एक्सपांशन और इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया, आइसोलेटेड कर दिया, तो क्यू भी क्या हो जाएगा आपके लिए, जीरो, और दो चीजें जीरो जीरो है, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो जीरो प्लस जीरो बिग जीरो। तो इसका मतलब जीरो आ चुका है, इसका मतलब थर्ड नंबर, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा, इससे पता चल ही रहा है, और 5 डेल्टा एच भी जीरो होगा इस जगह, पक्का। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो जीरो नहीं होगी, 6 डेल्टा पी नॉट जीरो, 7 1 एटीएम चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां पर 1 लीटर है और यहां पर भी 1 लीटर है, तो प्रेशर अब हाफ एटीएम हो जाएगा, और डेल्टा वी नॉट जीरो क्योंकि वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा, पहले 1 लीटर था, इधर का देख रहे हैं, हमेशा सिस्टम का वॉल्यूम पे बात करते हैं। तो 7 प्रॉपर्टीज हमने बता दी, जनरली हमारा काम 4 से चल रहा था, 3 और बढ़ गए, तो अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है, कभी भी आ सकता है, आ चुका है, लेकिन मेरे बताने के बाद, समझ में आ रहा है, पूरा एज इट इज पूछा है। तो आपने कर लिया एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, आप सब कर सकते हैं इस पे एग्जाम्पल, चलो प्रैक्टिस ही करते हैं।